नमस्कार आप सभी दोस्तों का आपका स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एल्ट्रोस का जो सीएनजी वेरिएंट है उसी में एक मॉडल है जिसका नाम एल्ट्रोस एक्सएम प्लस एस मॉडल है। ये सीएनजी का एक वेरिएंट है तो आज हम उसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, उसी के बारे में हम पूरा रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि आपको जो है इस वाले मॉडल के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, इसमें आपको बूट स्पेस कितना मिलता है, प्राइसिंग कितना है, इंजन, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका ICNG मॉडल है एंड CNG के काफ़ी सारे मॉडल्स का जो है मैंने वीडियो अपने YouTube पे अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरी मेरी काफ़ी सारे वीडियोस है ICNG के बारे में, आप वहाँ पर जो है पूरी वीडियो देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स के भी। तो चलिए इस वीडियो को हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं एंड आपको बताता हूँ ये इसका जो एल्ट्रोस का XM प्लस एस जो मॉडल है इसका जो एक्शोरूम प्राइस है वो है 8,84,900 इस कार का एक्शोरूम प्राइस है। ऑन रोड ये कार आपको जो है हरियाणा में आपको 10 लाख रुपीज़ का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ेगा इस वाले मॉडल का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ फ्रंट में, अगर आप देखेंगे आपको 3 डायमेंशनल हेडलैम्प्स आपको जो है एल्ट्रोस में यहाँ पर मिल जाता है, फॉग लैम्प्स नहीं आते इस वाले मॉडल में। एंड इसका जो फ्रंट ग्रिल अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको पियानो फ्रंट ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसका डिज़ाइन आपको हनी क्रोम ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाता है। पियानो ब्लैक इसका फ्रंट ग्रिल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसके बिल्कुल ठीक नीचे क्रोम का फिनिश दिया हुआ है जो कि इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। एंड ये इंडिया सेफेस्ट कार, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। तो चलिए एक बार हम इसके जो रिमोट सेंटर लॉकिंग है उसके थ्रू इस कार को एक बार लॉक अनलॉक एक बार कर लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 फीचर है लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैंप का। तो सबसे पहले बता दूँ आपको यहाँ पे इसका जो टायर साइज़ है यहाँ पर आपको 16 इंचेस का जो है वो टायर साइज़ यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इसमें आपको व्हील कैप एंड स्टील व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। एंड जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जो उसका इंडिकेटर है वो बिल्कुल फेंडर पे दिया हुआ है एंड इसका जो ORVM वो पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे दिया हुआ है, डोर हैंडल बॉडी कलर में है। तो इसका आप इंटीरियर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसका जो डोर है वो 90 डिग्री डोर ओपनिंग यहाँ पर आता है एंड इसमें आपको जो है अगर आप डोर देखेंगे डुअल टोन डोर है यहाँ पर। एंड अगर आप इसमें देखेंगे ऑल 4 पावर विंडो का कंट्रोल जो है वो भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM का जो फीचर है वो भी यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है और CNG जो एक स्विच है वो बिल्कुल यहां पर दिया हुआ है। एंड तो चलिए इसके फ्लिप की के थ्रू एक बार हम जो इस कार को स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से जो आपको की को एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम इनसाइड एक बार कार के अंदर बैठ के इसका इनसाइड रिव्यू कर लेते हैं। देख तो मैं आपको बता दूं कि इस कार का जो इंजन है वो 1.2 लीटर आपको CNG प्लस पेट्रोल में आपको ऑफर किया जाता है जिसमें आपको 73.5 PS पावर एंड 105 Nm का टॉर्क आपको यहां पर मिल जाता है। तो अब हम जो है इसके इंटीरियर में आ चुके हैं तो आप इसका जो इंटीरियर यहां पर देख सकते हैं, आप इसका जो इंटीरियर यहां पे आपको डुअल टोन आपको यहां पर ऑप्शन मिलता है, ये व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, मैट फिनिश दिया हुआ है यहां पे, ये पूरा ही प्लास्टिक मटेरियल है यहाँ से यहाँ तक पूरा। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका ग्रे कलर का पूरा डैशबोर्ड जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है, साथ में क्रोम फिनिश यहाँ पे AC वेंट्स पे दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड अगर आप इसका जो डैशबोर्ड देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा मैट फिनिश डैशबोर्ड दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है यहाँ पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं दिखाऊं आपको इसमें आपको जो XM प्लस S वाले मॉडल में सनरूफ का फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये वन टच होते ही जो है सनरूफ वो ओपन हो चुका है। तो अब हम इसको दोबारा से यहाँ क्लोज कर लेते हैं इसको, तो ये देखिए ये इसका सनरूफ जो है वो अब क्लोज हो चुका है। तो ये वॉइस असिस्टेंस सनरूफ भी है, ये फर्स्ट कार है CNG में जिसमें आपको वॉइस असिस्टेंट सनरूफ का फीचर मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग पे, इसका जो स्टीयरिंग है अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है, स्टीयरिंग आपको टिल्ट स्टीयरिंग का फीचर जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, साथ में स्टीयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल के जो फीचर है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे CNG का रिफिल पॉइंट दिया हुआ है एंड यहाँ पर पेट्रोल का ऑप्शन है, इस तरफ अगर आप देखेंगे ये साथ में डिजिटल इसका जो स्पीडोमीटर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो है ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये देखिए जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसका जो किलोमीटर है वो यहाँ पर जो इसके मोड्स है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से जो इसके मोड्स वो चेंज होते रहेंगे ये देखिए। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 7 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, हरमन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पे हरमन मेंशन है यहाँ पे, ये देखिए इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है वो भी हरमन का ही म्यूजिक सिस्टम होता है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, FM, AM, Word 3 जैसे काफ़ी सारे कन्वीनियंट फीचर्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिवर्स किया आप देख सकते हैं कुछ पार्किंग सेंसर जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा स्क्रीन पर,
एंड अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक एसी का जो फीचर है वो यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है, साथ में अल्ट्रोस का बैजिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इसमें नॉर्मल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है और काफ़ी सारे यूटिलिटी स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगर आप इसके सीट क्वालिटी देखेंगे तो ये फुल्ली फैब्रिक सीट्स हैं एंड इसका जो डिज़ाइन है ये पूरा बकेट डिज़ाइन फिनिश यहाँ पर दिया हुआ है इसके जो सीट क्वालिटी है। एंड अगर आप इसका मिडल पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर ये बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये भी ब्लैंक ऑप्शन है, ये इसका हैंड ब्रेक है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर आप जो है 12 वॉट पावर सॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है इसमें। एंड इसका जो स्टेयरिंग है वो आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो स्टेयरिंग है वो टिल्ट स्टेयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ में स्टेयरिंग पर ऑडियो कंट्रोल के जो फीचर है वो भी यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आप कॉल पिक एंड कॉल ड्रॉप, वॉल्यूम अप एंड डाउन, सॉन्ग चेंज करने के जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपको इसमें रेन सेंसिंग वाइपर एंड ऑटो हेडलैम्प्स के जो फीचर है वो भी यहाँ पर अल्ट्रोज XM प्लस एस वाले मॉडल के अंदर मिल जाता है। तो चलिए एक बार बैक सीट पे चलते हैं एंड देखते हैं आपको वहाँ पर क्या फीचर्स आपको ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका सी कैप ओपनर है यहाँ पे डोर पे, तो अगर आप इसके सीट देखेंगे यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स जो है वो यहाँ पर ऑफर किया जाता है, साथ में ये जो सीट्स है आप इसको स्प्लिट पूरी तरीके से डाउन मतलब नीचे आप कर सकते हैं। इंटीरियर अगर आप पीछे से देखेंगे काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर है, काफ़ी प्रीमियम है। एंड इसका जो फ्लोर है आपको यहाँ पे फ्लैट फ्लोर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है आपको यहाँ पर दिया जाता है इस वाले मॉडल के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा है। तीन लोग अगर आप बैठना चाहें तो कन्वीनियंटली आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेग रूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना का जो फीचर है वो यहाँ पर मिल जाता है। एंड अगर आप यहां पे देखेंगे आपको पार्किंग सेंसर का जो फीचर है वो यहां पर ऑफर किया जाता है, इसके बिल्कुल ठीक लोगों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल यहां पे एक स्विच दिया है, उसको प्रेस करेंगे तो यहां पर जो है हम इसका बूट ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आपको 210 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है। इसका जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी स्मार्ट तरीके से जो इसको प्लेस किया गया है यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है ताकि आपको CNG कार भी मिल जाए एंड साथ में उसमें आपको बूट स्पेस भी मिल जाए। तो ये देखिए कितने स्मार्ट तरीके से जो है इसको प्लेस किया गया है, साथ में पंचर किट यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन, इसके थ्रू जो है आप इसको जैसे इसको आप रोटेट करेंगे इसका टूल एक दिया हुआ है यहाँ पर, ये इसके बिल्कुल ठीक अंदर एक टूल दिया हुआ है उसको निकालेंगे आप, तो जैसे आप चाबी को घुमाएंगे यहाँ से तो यहाँ से जो इसका स्पेयर व्हील वो बाहर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये यहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसका स्पेयर व्हील बिल्कुल इसके ठीक नीचे दिया हुआ बाहर की तरफ, इससे आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। अल्ट्रोज का जो बैक लुक है उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है टाटा मोटर्स ने, तो काफ़ी अच्छा लगता है पीछे से अल्ट्रोज को अगर आप देखेंगे तो। एंड आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको माइक्रो स्विच बोला जाता है, अगर जैसे आप इस फ्यूल कैप को ओपन करते हैं अगर आपकी कार स्टार्ट है तो वो आपका जो कार है वो बंद हो जाएगा, ये इसका एक सेफ्टी फीचर है। यहाँ पर आपको जो है माइक्रो स्विच दिया जाता है, साथ में CNG का जो नोजल है वो यहाँ पर दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है पेट्रोल का जो कैप है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है। अगर आपकी कार का जो ये फ्यूल कैप अगर ओपन है तो आपकी कार स्टार्ट नहीं होगी, इग्निशन कार का जो है वो ऑफ हो जाएगा, ये ऑन तभी होगा आप जब इस कैप को लगा देंगे वापस से अपनी इसकी पोजीशन पर, तो ही आप कार को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने फ्यूल कैप नहीं लगाया तो आपकी जो कार स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर जो है आपको अल्ट्रोज iCNG में मिल जाता है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। एंड ये जो आपने कलर देखा है इसका डेटोना ग्रे कलर है, और भी अगर आपको कलर ऑप्शंस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर विजिट करके दूसरी वीडियोस भी आप वहाँ पर देख सकते हैं दूसरे कलर्स की दूसरे मॉडल्स की। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी का